में नहीं, होल लाइफ नहीं, अगर कोई मेडिकल सपोर्ट उनको ना मिले तो वो उसको नहीं छोड़ पाएंगे। इस चीज को हम अपने आसपास में भी देख सकते हैं, अगर हमारा कोई दोस्त या कोई रिलेटिव वो टोबैको यूज कर रहे हैं, कभी कभी होता है कि कुछ सिम्टम्स है जो डराने वाले होते हैं, तो उस टाइम वो दो चीजें करते हैं, या तो उसको उस समय के लिए छोड़ देंगे या एक चीज से दूसरे चीजों पे शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे कोई सिगरेट पी रहा है, सांस लेने में तकलीफ है, चलने में तकलीफ, सीढ़ी पर चढ़ने में तकलीफ हो रही है, या दम फूल रहा है ज्यादा, तो वो कहेंगे कि स्मोकलेस टोबैको ठीक है, इसको ही यूज करते हैं। होता जैसा नहीं है, क्या कुछ दिनों के लिए उसको छोड़ेंगे, फिर दोबारा उसकी तलब उनको लगेगी और वो उसको फिर से यूज करना शुरू करते हैं, यानी वो पूरी तरह इसको नहीं छोड़ पाते। ठीक है, तो अभी हम अगर बात कर रहे हैं तो मैं दो तीन आंकड़े आपके सामने में रखना चाहूंगा। मीठा मिलाया जाता है, और जो भी गुटखा खाते हैं या पान मसाला जो भी बोले उसको, वो इधर से उधर, उधर से इधर करते हैं, और जब वो एक अगर खा ले, उनका मुंह साफ करा के आप देख सकते हैं खुद से, उसमें छोटे 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 स्क्रैच आ जाते हैं उसके पूरे मुंह में, और उसी स्क्रैच के द्वारा वो निकोटीन हमारे बॉडी में